दिल्ली के तिहाड़ जेल में भी स्वतंत्रता दिवस समारोह मनाया गया। इस समारोह पर तिहाड़ जेल के डीजी अजय कश्यप समेत सभी वरिष्ठ अधिकारी मौजूद थे। वहीं आजादी के दिन आज तकरीबन 700 से ज्यादा कैदियों को छुट्टी भी दी जाएगी, जिसका ऐलान खुद तिहाड़ जेल के डीजी ने समारोह में किया। जिन कैदियों के रिकॉर्ड अच्छे हैं उन्हें मिलेगी छूट। तिहाड़ जेल के डीजी अजय कश्यप ने स्वतंत्रता दिवस समारोह में कई ऐलान किए। उन्होंने कहा कि जो कैदी की सजा 1 साल से कम है उन्हें 15 दिन की छुट्टी मिलेगी, और वहीं 1 साल से ऊपर और 5 साल के नीचे अगर सजा है तो उन्हें 30 दिन, साथ ही 5 साल के ऊपर जिनकी सजा है उन्हें 45 दिन की छूट मिलेगी। उदाहरण के तौर पर अगर किसी को 365 दिन जेल में सजा के रूप में रहना है तो उसे 15 दिन की छूट मिल जाएगी, यानी सिर्फ 350 दिन ही हो वो जेल में रहेगा। लेकिन उन कैदियों का पूरा रिकॉर्ड देखा जाएगा कि उनका जेल में किस तरह का रवैया था आदि। तकरीबन 700 से ज्यादा महिला पुरुषों को सजा में छूट मिलेगी। जेल में लगाए गए 2400 पेड़। 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस पर दिल्ली की जेलों में जेल प्रशासन ने एक कैदी का एक पौधे की नीति पर 2400 पेड़ लगाए। साथ ही स्वच्छता अभियान को देखते हुए सभी कैदियों को सम्मान को जेल से हटाकर पूरी सफाई कराई गई। अजय कश्यप ने कहा कि जेल के अंदर हर साल की तरह इस साल भी योग दिवस मनाया गया। इस कार्यक्रम को अपने समर्थन देने के लिए इस वर्ष स्वामी रामदेव को 14 जून को तिहाड़ में जेल में नंबर 1 में आकर बंदी भाइयों को अपना आशीर्वाद प्रदान किया। हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी दिल्ली की जेलों में विश्व योगा दिवस भी मनाया गया। कंप्यूटर पेंटिंग आदि के कराए गए कोर्स। इस वर्ष जेल प्रशासन ने एनजीओ के साथ मिलकर कैदियों के स्वास्थ्य के लिए वर्कशॉप लगाई, जिसमें बंदी भाइयों को मानसिक स्वास्थ्य के बारे में पूरी जानकारी दी और उनकी मानसिक स्थिति की जांच की गई। साथ ही जेलों में प्रशासन अलग अलग तरह के ट्रेनिंग कैंप लगाता है एवं इस संबंध में दिया गया समर्थन में चल रहा है। साथ ही ट्रेनिंग कोर्स को पूरा करने वाले सर्टिफिकेट प्रदान किए गए। कैदियों के लिए एक कंप्यूटर सेंटर खोला गया जिन्हें उन्हें कंप्यूटर का ज्ञान भी मिल सके। अलग अलग होती हैं प्रतियोगिताएं। कैदियों को मानसिक स्थिति से ठीक करने के लिए अलग अलग तरह की प्रतियोगिताएं की जाती हैं। जेल प्रशासन ने एशिया पेंट्स के एक सहयोग से एक इंकल पेंट्स और एक एडवांस वॉल पेंटिंग स्केच प्रोग्राम आयोजित किया, जिसमें 56 कैदियों का इसका लाभ हुआ और सब बंदियों को सर्टिफिकेट प्रदान किए गए। इलेक्ट्रॉनिक चीजों में की गई बढ़ोतरी। मंडोली जेल में एक LED यूनिट की स्थापना की गई, साथ ही रेडियो चौकी बनने की तिहाड़ जेल में क्लास शुरू कर दी गई। जेल में शहीदी दिवस पर भी मनाया जाता है। तिहाड़ जेल के डीजी अजय कश्यप ने आखिरी में संबोधित करते हुए कहा कि हम इस तिरंगे के नीचे स्वतंत्रता दिवस पर स्वतंत्र खड़े हैं। इसके लिए उन्हें कई वीर योद्धाओं ने अपनी कुर्बानी दी है। ऐसे में शहीद भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु, जिन्होंने भारत की स्वतंत्रता के लिए अपने प्राण न्यौछावर कर दिए हैं, और जिनको याद करने के लिए 31 मार्च को जेल में शहीदी दिवस मनाया गया, जिसमें उनके भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की जाती है। साथ में ही जेल के कैदियों, वरिष्ठ अधिकारियों, स्टाफ को डीजी ने स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं दी। में शिफ्ट कर दिया जाएगा। ये एक्चुअली जेल परिसर से कॉम्प्लेक्स की परिसर के अंदर है, लेकिन जेल परिसर के बाहर है, और इनके ऊपर कम अंकुश, कम निगरानी होती है। इनको एक अपॉर्चुनिटी मिलती है कि अपने आप को सिविल सोसाइटी में दोबारा रीइंटीग्रेट कर सके। जी, ये जल्दी हो जाने वाला है। प्रोजेक्ट कम्प्लीट है ऑलमोस्ट। हमें सब तरह का अप्रूवल मिल चुका है। PWD की ओर से कुछ व्यवस्था में जो कमी थी वो पूरी हो गई है, और इसका हम अगले 5-10 दिन में इनॉग्रेशन करेंगे। धन्यवाद। ठीक है, थैंक यू।